सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज एक बार फिर हम गांव चरखी के अंदर हैं। तहसील और जिला है चरखी दादरी, और संजय भाई साहब के पास ये बुल है, काफ़ी सुंदर बुल है। इनके पिताजी का नाम है बल्लू। तो आगे इस बुल के बारे में ज़्यादा डिटेल से इनसे पूछें, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम जो एक से एक शानदार जो मुर्रा का पशुधन आपको दिखाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों के पास जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से पूछते हैं। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार जी। भाई साहब कितनी एज हो गई इसकी? इसकी 2 साल है। दांत कितने कर लिए इसने अभी? दांत बचने वाले, तोड़ने वाला है। अच्छा, दांत अभी तोड़ने वाला है, तोड़नी है। इसकी तो हाइट कितनी होगी आपके अंदाजे से इसकी? हाइट है जी 5.5 फुट। 5.5 फीट। तो भाई साहब इसको आपने अपने घर की किसी भैंस का बुल रखा था, कैसे तैयार करने की मन में आई घर आपकी? की भैंस का ये तैयार किया है। अच्छा, इसे बड़ा मैंने बेच भी दिया, सेल कर दिया। इससे बड़ा एक आपने सेल कर दिया। सेल कर दिया मैंने। 3 साल का था, 5 फुट 7 इंच की ऊंचाई थी। 3 साल का, 5 फुट 7 इंच हाइट, उसकी और वो हजार में अपने चैंपियन बना था। एसआर एचएलडीबी में चैंपियन था। हाँ, तो उस बुल का क्या नाम था भाई साहब? उस बुल का भी मनु। अभिमन्यु। तो कहाँ के बंदे उसको लेके गए? जो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के। तो अभी आप जो ये बुल आपने तैयार किया, इसकी मदर साइड कितना दूध है उसके नीचे? 25.5 किलो। 25.5 किलो। कहीं उसने रिकॉर्ड भी करवाया है? हाँ, रिकॉर्ड गांव में सरकारी अस्पताल में है। एचएलडीबी में जो रिकॉर्ड होता है उसमें हाँ, करवाया उसमें है। करवा रखे। तो अभी बुल को आप डाइट में क्या दे रहे हो? कैसे मतलब आपके दिमाग में आई कि भाई हम इतने अच्छे बुल तैयार करेंगे? हम करनाल हसार पटियाला मुख्य निवास में जाया करते थे, अच्छा। वहां पर ये देखा करते अर्जुन, अभी ये युवराज हाँ 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 सुल्तान, फिर हमारा जी बढ़िया करता है। अच्छा, भाई हाँ, अपना खुद का जो एक खुद बुल का। तैयार करेंगे? हाँ भाई, छोटा भाई है हमारे पास मंजीत, मेरा भाई, अच्छा। उसने कही कि अब अभी क्यों तैयार नहीं कर ले। हाँ, एक बुल अपना भी तैयार होना चाहिए। हाँ, मन ने बोल दिया था भाई करेंगे तैयार। अच्छा, मैं उसके बाद तैयार आपने अभी करने मनु को को तैयार तैयार किया, किया? भी मनु को तैयार किया। अच्छा, तो मेरा पिताजी आंध्रा बेंगलोर भोपाल अच्छा, और यहाँ कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आपके भैंस लेके पिताजी आए। जो बल्लू हैं वो आंध्रा, और जो आप बता बेंगलोर। रहे हो भोपाल, यहाँ पे हाँ, भैंस मतलब जो मिल्क रिकॉर्ड होता है मिल्क उसमें लेके? रिकॉर्डिंग में चैंपियन पूरी इंडिया में, आज सुंदरता में भी पूरी इंडिया में अच्छा, चैंपियन। कौन सी भैंस अभी है आपके पास? वो वो नहीं, वो तो हमें पहले की आंध्र थी? प्रदेश में ही भेज दी थी, कौन से सन में रिकॉर्ड करवाया था वहां पे? सन 86 में। सन 86 में। हाँ जी, बहुत पहले से लगे हो नस्ल सुधार पे। हाँ, 84 86, अच्छा और 3 बार चैंपियन बने। अच्छा उसका नाम वगैरह उसका कुछ? महारानी महारानी। तो आपके पास उसके कुछ रिकॉर्ड भी होंगे अभी? रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये बुल है, इसको अभी आपको सेल करने का विचार है या वैसे अपने घर के लिए तैयार किया सेल है? कर देंगे। सेल कर देगा तो इसका जो बेचने का विचार है, तो प्राइस वगैरह आपने क्या रखा है संजय भाई? इसका सही पैसा लग जाएंगे तो दे देंगे, नहीं तो हमें पालने का शौक है, अच्छा निवास देखने का शौक है, और सिमन भरवा देंगे। अच्छा जो अगर रीजनेबल प्राइस लगे अच्छे आपको तो आप सेल करोगे, नहीं तो इसके सीमन तैयार करवाओगे आगे? सीमन अच्छा, तैयार करवाएंगे। तो आपके पास और भी बुल है? है जी, इससे छोटा है जी, अच्छा, कि वो एक कितने दिन का है? 9 महीने का। चलो आगे वो भी दिखाएं। तो देखिए काफ़ी शानदार सींग की क्वालिटी, बिल्कुल छोटा सींग है, और हेड की बनावट है वो भी काफ़ी शानदार है। जो बुल का स्कैनिंग है शरीर की वो आपको दिख ही रही है, और पूरी बॉडी वेट इतना 5 फुट 5 इंच हाइट पे जब पशु जाता है तो बहुत ऊंचाई हो जाती है। 2 साल की एज में इतनी हाइट और लंबाई, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहेंगे इसको। तो काफ़ी गर्दन की लंबाई भी बहुत ही शानदार है, और मैंने जो बुल के टेस्टिकल होते हैं, इसके टेस्टिकल हैं वो देखे, काफ़ी शानदार हैं। इस तरह से नस्ल सुधार पे काम करने से ही जो आज युवा पशुपालन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो दूसरा बुल भाई का आगे दिखाते हैं। भाई ने जिस हिसाब से बताया वो बता नहीं रहे कि हमने वहाँ वहाँ इनाम जीते थे। इन्होंने बुल रियल में पशु तैयार किए हैं, और इतने जो ये दिख रहे हैं फोटो के अंदर, ये भैंस थी जो सन 86 में विनर हुई थी। तो आप लोग
मैंने इसलिए ये फोटो और ये दिखाए हैं एनिमल इनके कि बहुत ही पुराने जो मुर्रा पे काम कर रहे हैं, एक से एक शानदार पशु इन्होंने तैयार किया है। तो ये देखिए जो विनर है ये भैंस, ये सम्मानित भी की गई थी गांव में आने के ऊपर, बाद में अच्छी अच्छी झोटियां रखी हैं, अच्छे पशुओं जो नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं वो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्योंकि शौकीन बंदा ही इस हिसाब से पशुओं को रखता है। और ये फोटो लगाने से ये नहीं कि वैसे लगा दिए फोटो, नहीं, अच्छे बुल तैयार करके इन्होंने उनसे अच्छा ही मुनाफा लिया है। तो देखिए एक से एक शानदार बुल हैं वो तैयार की इन्होंने, ये इन्होंने जब विनर हुए वहाँ पे इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो आगे हम बुल ही के बारे में बताएंगे आपको। तो आगे हम भाई के पास एक बुल है, वो इसको एक कवरेज में हम नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो के लास्ट में जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको एक से एक शानदार एनिमल दिखाते रहें। वीडियो के लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।